बहुत जल्दी हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात आप मुल्क में देखिए तो जिस तरह का है, उसके बावजूद भी हमको बहुत भरोसा है हमारे मुसलमान भाइयों पर, और बेंगलोर पुलिस इज देयर टू फुली कोऑपरेट। मैं कह देता हूँ सब लोग हमारे नजर में, कड़ी नज़रों में हैं। भारतीय नगर पुलिस स्टेशन के सरहद में ये जो हमारे खुद्दूस साहब दरगाह का जो बेंगलोर से अलग अलग जगहों से वहाँ बहुत बड़े पैमाने में हमारे मुसलमान भाई वहाँ आ रहे हैं, और उनको ऑलरेडी व्हाट्सएप के ज़रिए और फेसबुक वगैरह से सबको वहाँ आने के लिए बताया गया करके हमारे नज़र में आए हैं, और हम लोगों से उन्होंने परमिशन भी मांगा, हमने परमिशन भी दिया है। और कल के दिन जो है ट्रैफिक का बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट रहेगा, और जहाँ जहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहाँ पर हमने फायर फिल्टर भी लगा के रखे हैं कि अकस्मात कोई चिंगारी विंगारी गिरे, आग वाग लग जाए इत्यादि से लोगों को प्रिकॉशन रहे उसका। और कल के दिन जो है फायर टेंडर का भी पूरा इंतज़ाम रहेगा, एम्बुलेंस का भी पूरा इंतज़ाम रहेगा, और जिन जिन रास्तों से लोग आ रहे हैं उस समय उस पर कोई हौसला की पेट्रोलिंग होगी, ताकि बिना मतलब का कोई ट्रैफिक जाम न रहेगा। और आप लोग आप जानते हैं कल सोमवार है, लोग आज दो दिन छुट्टी बना के घर से निकले रहते हैं, सोमवार को नॉर्मली ट्रैफिक थोड़ा जाम रहता है, तो आज हम लोग यही लोगों को भी वार्निंग दे देंगे कि भाई ये सब एरिया आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, या जल्दी निकलिए या देर से निकलिए, लेकिन इस समय के बीच में आप बताइए। ये रही प्रोग्राम के बारे में। और ऑलरेडी हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ में मीटिंग किया है, और हमारे इसके साथ में हमारे एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सभी ने इनके साथ मीटिंग किया है, क्योंकि ये जो कल का जो मीटिंग हो रहा है बहुत जल्दी हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात आप मुल्क में देखिए तो जिस तरह का है, उसके बावजूद भी हमको बहुत भरोसा है हमारे मुसलमान भाइयों पर, और ये जो पैगाम गया है कि अमन के सिवाय और कुछ नहीं बात की जाएगी, और लोगों के मन में जो डर है या गलत फहमियाँ हैं NRC और CAA के बारे में, उसके बारे में दिल खोल के लोग चर्चा करेंगे और लोगों के अंदर में एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, और बेंगलोर पुलिस इज देयर टू फुली कोऑपरेट। यही नहीं, 19 तारीख को जॉइंट एक्शन कमेटी के मेम्बरान को माननीय मुख्यमंत्री ने अपने घर पर कृष्णा में उनको मीटिंग में इनवाइट करके, जब लोगों ने उठाया कि हम कौन सी कागज़ लेके आए, हमारे को क्या डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, करके अलग अलग तरीके के जो डर थे या शक वगैरह थे जब उनके सामने रखा, तो CM ने बोला कि आप क्या आप गलतफहमी में हैं, सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ पैदा हुए हैं आपका हक बनता है आपको वहाँ रहने के लिए, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, और आप किसी भी गलत फेक और अफवाहों पर आप ध्यान न दे करके CM साहब ने सबको ये मैसेज दिया है, और किसी के मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहना चाहिए, ख़ास करके बेंगलोर और कर्नाटक के बारे में उन्होंने तो बहुत ही कूट कूट के कहा है कि आप लोग ऐसे भय के वातावरण में न रहें, और मैं हूँ यहाँ पर, वहीं नहीं ये सरकार कुछ नहीं करेगी इस तरह से, तो इस तरह से लोगों को भी तो यही पैगाम जो है ये लीडर बोले हैं कि हम सभी लोगों तक हम पहुँचाना चाहते हैं, किसी को माइक वगैरह लाने की इजाज़त नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने कहा है कि हमने कहा है कि नेशनल फ्लैग के सिवा और कोई दूसरा झंडा लाना मस्जिद मस्जिद, और कोई भी नारे नहीं लगाएंगे, बीच में ना रुकेंगे, अपने अपने मस्जिद से अपने घरों से निकलेंगे, ऐसे नहीं कि वहाँ से कोई जुलूस में नहीं आएंगे, ये तो इस पर जुलूस में आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, किसी इसने भी नहीं मांगा है, और हम जुलूस में आने को किसी को नहीं देंगे। ये रही, उसके बाद में हमने 1000 कैमरा लगा रखा है। मैं कह देता हूँ सब लोग हमारे नज़र में, कड़ी नज़रों में है, और कोई भी किसी तरह का हरकत किया तो ये ना सोचे कि मुझे कोई न देखा, हम आप कहीं ना कहीं आप हमारे नज़र में आ चुके हैं, तो इसलिए मैं सभी यंगस्टर्स को, नौजवानों को, और या जो भी जिनके माइंड में ऐसे हरकत करने की हिमाकत है, तो उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी आप करें तुरंत आप पकड़े जाएंगे,
और अगर आपके कारण से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो आप और आपके एरिया वाले उसके जिम्मेवार होंगे और आप पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक यहाँ हमने एक अमन का रिकॉर्ड बना के रखा है। अगर जो कल जो है आपके बड़े और बुजुर्गों की आप बात न सुनकर किसी और की बात की और बहकावे में आकर आ गए और आपने कुछ गलत काम किया तो ये हम इसको पकड़ लेते हैं। और इसी तरह से हमने दूसरे कम्युनिटी को भी हमने वार्निंग की, उनके साथ भी हमने मीटिंग करके उनको बोला कि आप घर के अंदर रहिए, अपना काम संभालिए, जो लोग जा रहे हैं उनको अपने जाने दीजिए।